नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बनाई जा रही है अवैध रूप से 6 मंजिला इमारतें, जिनका नक्शा भी पास नहीं और ना ही किसी प्रकार की कोई परमिशन है। डेमोलेशन होने के बाद भी बिल्डर माफियाओं के जहन में नहीं है अधिकारियों का डर। धड़ल्ले से बनाया जा रहा है इन अवैध इमारतों को और बनाए जा रहे इनमें बिना परमिशन के बेसमेंट। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में अवैध रूप से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। कॉलोनाइजर और बिल्डर माफिया किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के बिना ऑर्डर के इस तरह की इमारतों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इन इमारतों का कोई नक्शा पास नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई परमिशन, और अवैध रूप से इन इमारतों के अंदर करीब 600 गज में बेसमेंट भी बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि इस शिकायत के बाद स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने अवैध रूप से बना रहे बिल्डिंग माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए कानूनी कार्यवाही भी की, लेकिन डेमोलेशन होने के ठीक अगले दिन दोबारा इन बिल्डिंगों में फिर से पुनः काम शुरू करवा दिया। अवैध रूप से बनाई जा रही इन इमारतों को लेकर बिल्डर माफियाओं के जहन में सरकारी अधिकारियों का कोई भी डर नहीं है और ना ही नगर निगम की तरफ से इन बिल्डर माफियाओं पर कोई शख्स शिकंजा नहीं कस रहा है। जब राजधानी दिल्ली में ऐसी बातें, इमारतें कच्चे मटेरियल और बिना नक्शे के बनकर तैयार होती है और किसी कारणवश धराशाही होती है, उस समय इन इमारतों की फायर एनओसी और अन्य तरह के कागज डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, लेकिन इमारतें बनने से पहले किसी प्रकार का कोई भी कानून कार्यवाही या कानूनी दाव पर चिन्ह बिलवासियों के लिए नहीं। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में अवैध रूप से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। कॉलोनाइजर और बिल्डर माफिया किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के बिना ऑर्डर के इस तरह की इमारतों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इन इमारतों का कोई नक्शा पास नहीं और ना ही किसी प्रकार की कोई परमिशन, और अवैध रूप से इन इमारतों के 6 मंजिल करीब बनाया गया है। सोनू कब्जे लगे हुए आप इस बिल्डिंग में, मतलब इसमें 600 गज में पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, नीचे बेसमेंट बनी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले एमसीडी वाले से तोड़ के गए थे। अब आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का ये खंभा इसमें और एमसीडी के द्वारा ड्वेलों में इसको तोड़ा गया है, उसके बावजूद इस बिल्डिंग में काम चल रहा है और तसल्ली से खड्डे बाहर निकले हुए हैं, सब बाहर निकल रहा है। आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको एड्रेस भी अधिकारियों से, और इस पे जो जो भी एक्शन है स्ट्रिक्ट एक्शन मिल लेंगे। मतलब अभी जो 3 दिन पहले के डेमोलेशन करी गई है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद जरा सा हिस्सा तोड़ के इसको 600 गज की जमीन पे आपको वो नहीं मिलती, बेसमेंट मिली हुई है। मैं इसकी एमसीडी की जांच करती हूं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी बात करूंगी कि अगर कोई ऐसा स्टेप लिया गया है तो आगे कार्रवाई कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, तो इसके बारे में बात करके आपको बताऊं। इस एरिया में लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं एमसीडी के भ्रष्टाचार के ऊपर आते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले ऑडियो वीडियो भी वायरल हुई, किसी भी वजह से हुई वो, और उसके बाद इस बिल्डिंग पे भी ये बात आ गई है, तो उस पर पूरी बात रखूंगी और हम पूरे सच्चाई के साथ हैं। जो नियम कानून बने हैं सबके लिए सेम है और नियम कानून से ही काम होना चाहिए, यही हम अपने जो ऑफिशियल हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, उनसे बात करते हैं। तो कितने दिन का हम टाइम लेके चलेगी आप, जल्द से जल्द का कोई टाइम बाउंडेशन दिन कुछ जैसे भी? ही मेरी उनसे बात होती है, मैं बात करके आपको सूचित करती हूँ। धन्यवाद।